हेलो दोस्तों, जागो शांति रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली के चटपटा रेसिपी, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा मसालेदार मूंगफली की रेसिपी। यहाँ पर मैंने कच्चा मूंगफली ली हूँ, आप चाहे तो रोस्ट किया हुआ मूंगफली भी ले सकते हैं। और इन्हें हम धो लेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे। धोने से क्या होता है कि बादाम हमारे नरम पड़ जाते हैं। इनका पानी मैं निकाल लेती हूँ। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम एक बर्तन लिए हैं, इसमें डालेंगे 4 चम्मच बेसन। ये हमारे राकेश कंपनी का बेसन है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच मीठा सोडा। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस तरीके से हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अब हम सभी बादाम को इसमें डालेंगे और हाथों से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बेसन हम और डाल लेते हैं और इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अभी चिपका चिपका सा दिख रहा है, लेकिन तलने के बाद हमारे बादाम अलग अलग हो जाएंगे। अब हम इन्हें तलेंगे। तलने के लिए तेल को हमने गरम कर लिया है। अब हम बादाम को डालेंगे। 1 मिनट तक नहीं चलाना है। 1 मिनट बाद अब हम इन्हें चलाएंगे। बच्चों या बड़ों इस नाश्ते को बेहद पसंद करते हैं, आप जरूर बनाएं। ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब हमारे बादाम एकदम परफेक्ट, हमारे बादाम तल के तैयार हैं। हम बाकी के बादाम सेम तरीके से तल के तैयार कर लेते हैं। तो सभी नाश्ते को बना करके हमने तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।